अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस टाइम दो बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ जो है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही इस टाइम इलेक्शन के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, कुमते पाकिस्तान को जो है इस तरह से इनको मौका देना चाहिए? एक जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया, लेवल प्लेइंग फील्ड। ये बाहर से इम्पोर्टेड हुआ है। बिल्कुल, जो बाहर बैठे होते हैं ना, इंटरनेशनल बड़े बड़े सोच विचार के बैठे होते हैं, तो वहाँ से उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड आया। जबकि हमारा आइन का आर्टिकल 218 में लफ्ज लिखा हुआ है, मसावियाना सलूक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मसावियाना सलूक की जगह वो लेवल प्लेइंग फील्ड लगा दिए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि ठीक है, तहरीके इंसाफ तो इस वक्त ज़ाहिर मुकदमेबाजी भी कर रही है, उनका लीडर भी नडियाला जेल में है, तो लेकिन मसला यह है कि पीपल्स पार्टी को कौन सा लेवल फील्ड नहीं मिल रहा भाई। हुकूमत में रहे हैं 16 महीने, आप वज़ीर ख़ारजा थे, आपने 150 मुल्कों के दौरे भी कर लिए, तो उसके बावजूद आपको कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा? आपको तो पूरा मिल रहा है, हर तरह से मिल रहा है। अब ये तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हाँ, तहरीक इंसाफ के बारे में, चूँकि वो 9 मई का वाक़ हो गया, बिल्कुल, और उन्होंने एक पाकिस्तान के लिए वो तारीख दिन था, स्याह दिन था, उन्होंने, मैंने भी खुद देखा है कोर कमांडर हाउस जिस अंदाज से उन्होंने वहाँ दहशतगर्दी की, उस पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और जो उनके कोई मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया कि तकरीबन 22,000 आदमियों के ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ तकरीबन 400-500 आदमियों को गिरफ्तार किए गए हैं या केस चल रहे हैं, बाकी रोपोश हो गए हैं। 20,000 आदमियों ने, ये सारे इसमें मुलव्वस थे, मियांबारी, लाहौर, उसके बाद दाएं बाएं, तो उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड में थोड़ा सा हर्फ आ गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कल परसों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जब ये तहरीक इंसाफ का कोई वफद मिलाया जाके, उसकी रोशनी में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चारों सूबाई वज़रा आला, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी, चारों सूबाई आईजीज, उनको हुक्म जारी किया है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और हमें कोई इसके बारे में शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो अब इलेक्शन कमीशन तो एक्शन ले लिया है, अब अगर कोई हुकूमत या किसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो वो इलेक्शन कमीशन में बाकायदा सबूत के साथ कहे जी हमने जलसे की इजाज़त मांगी थी, नहीं दी, तो फिर उस पर एक्शन हो सकता है, बाकायदा कार्रवाई हो जाएगी और कंटेप्ट लग जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये तो उन्होंने रास्ता खोल दिया है, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तो खत जारी हो गया कल परसों।